फौजी मेहरबान, कदरदान, साहिबान, तालिबान, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओह सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, गुड इवनिंग भी। क्या पता गुड इवनिंग ना बोलने पर किसी समुदाय की भावनाएं आहत हो जाए। जी मैं सच्ची कह रहा हूं, आजकल देश में और कुछ हो ही नहीं रहा है, यही हो रहा है, सिर्फ भावनाएं आहत हो रही हैं। पता नहीं किसकी किस बात में भावना आहत हो जाए, इसलिए इस मुद्दे को मैं अब यहीं विराम देता हूं। भावना पे अब और कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसी मेरी भावना है और भावना ने मुझे यही बोल के कहा था कि बस इसी भावना पे रुक जाना। तो फिर किस मुद्दे पे बोलोगे शेखर? कल्लो बात। अरे मुद्दों की कमी है क्या अपने देश में? मुद्दे ही मुद्दे है, महंगाई की मार है, महाराष्ट्र की रार है, राष्ट्रपति चुनाव की तकरार है, मुद्दे बेशुमार है। कैसी सरकार स्थापन और स्थापित हुई है, उसका कारण क्या है, सब जानते हो। और इसलिए एक भूमिका लेकर, एक विकास की भूमिका लेकर, हमारे बाला साहेब ठाकरे जी की भूमिका लेकर हम लोग ने सरकार स्थापित किया है। मी तुम्हाला बोलो होतो ना मित्रांनो कि मुंबईचा पिक्चर अजून बाकी आहे। मैंने आपसे कहा था ना कि मुंबई की पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त बोला था ना। तो जी मुंबई की पिक्चर में क्लाइमेक्स वाला सीन बस आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले मैं पिक्चर का आज का लेटेस्ट सीन दिखा देता हूं। तो ये है आज का लेटेस्ट सीन। टन टना, मुख्यमंत्री शिंदे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, साथ में उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस भी थे। इस मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री शिंदे ने प्रेस से मुलाकात की और यह बात की। इससे पहले शिंदे फडणवीस की जोड़ी ने कल यानी शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात की थी, वो भी कई घंटों तक मुलाकात हुई। क्या बात हुई ये बात हम आपको नहीं बताएंगे। ना ना ना, हम क्यों बताएं? हमारे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? बस बात बता दे रहे हैं आप खुद अंदाजा लगाइए। चलिए आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं। परसों यानी 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने वाली याचिका पर फैसला आना है। साथ ही राज्यपाल कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट कराने के फैसले पर भी फैसला आना है, जिसे लेके मुख्यमंत्री शिंदे समेत बीजेपी की भी सांसें अटकी हुई है। मिल गया ना हिंट? मिल गया ना कि ये मुंबई से दिल्ली की दौड़ भागे, मुलाकातें क्यों हो रही हैं? चलिए अब आप लोगों को एक और हिंट देता हूं। बंदरू तुम भी सुनना, महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री बन गया। बन गया ना बंदरू? बन गया। महाराष्ट्र में सरकार बन गई। बन गई ना बंदरू? बन गई। बन गई, अब क्या बनना बाकी है? सोचो। क्या बनना बाकी है? लगता है तू आजकल बेटा अदरक कम खा रही है, तेरा दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो गया है। अरे पार्टी पार्टी पार्टी, महाराष्ट्र में अभी पार्टी बननी बाकी है मेरे बंदरों। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बन गए, सरकार बन गई और अब पार्टी बन रही, यानी कि फिल्म रिलीज हो गई, शूटिंग अब शुरू हो रही है। पार्टी बन रही है मतलब? अरे पार्टी बन रही है मतलब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना को अपनी पार्टी बनाने की जुगत में लगे हैं। शिवसेना के अधिकांश विधायकों को अपने खेमे में लाने के बाद अब शिंदे साहब नगर सेवकों को यानी पार्षदों को अपनी तरफ खींच रहे हैं और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिलती दिखाई दे रही है। वो कैसे शेखू? वो ऐसे बंदरू कि मुंबई के 9 नगर निगमों में से 3 नगर निगमों के अधिकांश पार्षद शिंदे खेमे में शामिल हो गए।
हाँ तो पार्षदों को मिठाई खिलाने का सीन आप देख रहे हैं, कैसे गपा गप लड्डू खा रहे हैं। खाइए खाइए। पहले तो ठाणे के 67 में से 66 पार्षद शिंदे कैंप में आए, फिर नवी मुंबई के 32 पार्षद आ गए, और अब कल्याण डोंबिवली के भी 55 पार्षद शिंदे खेमे में शामिल हो गए। अब बचे हैं मुंबई, उल्हासनगर, मीरा भाईंदर, वसई, विरार, पनवेल और भिवंडी निजामपुर। अब देखना है कि ये बचे रहेंगे या ये भी। और उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं शेखर? वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे साहब नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुख्यमंत्री शिंदे को खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहे हैं। खुल्लम खुल्ला, दम है तो सामने आके चुनाव लड़ लो। है दम कि हे असे खेळ करत बसण्यापेक्षा परत एकदा विधानसभेची निवडणूक घ्या। जर आम्ही चुकलो असू तर लोक परत सांगतो, हे मी मागे बोललोय। इस चैलेंज के अलावा उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने उस चैलेंज का भी जिक्र किया जो उन्होंने बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है, जिस पर 11 जुलाई को सुनवाई होनी। अजूनही आपल्या देशामध्ये असत्यमेव जयते हे वाक्य नाहीये, सत्यमेव जयते हेच वाक्य आहे। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ठाकरे साहब ने इसके बाद दिया और वो था पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर। उन्होंने चैलेंज देते हुए कह दिया कि कोई भी हमसे हमारा धनुष बाण छीन ही नहीं सकता। नेवर एवर एवर। शिवसेनेच्या चिन्हाबद्दल धनुष बाण, मी माझ्या सैनिकांना बोलताना हेच सांगितलं की कायद्याच्या दृष्टीने बघितलं आणि कायद्यामध्ये जे काही नमूद केलेलं आहे घटनेमध्ये आहे त्यानुसार धनुष्यबाण शिवसेनेपासून कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही। उद्धव ठाकरे ने कहा, हमी से सीखी अदाए हमी पे वार किया, हमी से सीखी अदाए हमी पे वार किया, हमारे तीर हमी पर चलाए जाते हैं, हमारे तीर हमी पर चलाए जाते हैं। इधर ठाकरे साहब चैलेंज दे रहे हैं कि पार्टी के सिंबल को हमसे कोई छीन नहीं सकता, और उधर शिंदे साहब ने दिल्ली में दावा ठोक दिया कि असली शिवसेना हमारी वाली शिवसेना है। शिवसेना पार्टी, हम लोग शिवसेना ही है ना, हम लोग बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका और वो लेके गए शिवसेना, हम लोग शिवसेना पार्टी है ना। चुनाव आयोग जाएंगे तो वो तो अभी की बात नहीं ना, अभी जब 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 समय आएगा तब पता चलेगा आपको। ठाकरे साहब, जिस बाण की रफ्तार से आपके धनुष से एक एक करके पार्षद और दूसरे नेता निकलते जा रहे हैं, उसे देख के तो शिंदे साहब के दावे में दम दिखाई दे रहा है। मैंने तो सुना है कि 18 में से 12 सांसद भी कुछ उलट पुलट करने वाले। बाण की जिस रफ्तार से नेता निकलते जा रहे हैं, उसे देख के तो लगता है कि पार्टी के साथ साथ आपकी पार्टी का सिंबल भी। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कुछ कह ही नहीं रहा, मैं कभी कुछ कहता हूं। ये तो आपके परम प्रिय संजय रावत जी कह रहे हैं। आइए देखते पढ़ते हैं रावत साहब ने क्या ट्वीट किया। जब खोने के लिए कुछ भी ना बचा हो तो पाने के लिए बहुत कुछ होता है। जय महाराष्ट्र। देख लिया आपने, राव साहब खुद ही कह रहे हैं कि अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, यानी सब कुछ खो चुके हैं। ये हम नहीं कह रहे, ना ना, हम तो कभी कुछ कहते नहीं, और मैं तो खास तौर पे कभी कुछ नहीं कहता, ये राव साहब कह रहे हैं। वैसे राव साहब आपकी तरफ चैलेंज भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर अभी अभी के अभी चुनाव हो जाए तो आप 100 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अभी मिड टर्म पोल लीजिए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। चलो जनता के बीच जाएंगे, जनता के न्यायालय में जाएंगे, हमको पूरा विश्वास है। अगर अभी चुनाव होता है तो 100 से भी ज्यादा सीटें हम जीत कर विधानसभा में आने की हिम्मत ताकत हमारे में है। तो फिर कैसा लगा चैलेंज?
ये तो कुछ भी नहीं है, आगे देखिए द ग्रेट महाराष्ट्र लाफ्टर चैलेंज। सॉरी वो क्या है, मेरी लाफ्टर चैलेंज से पुरानी यादें जुड़ी है ना, वाबस्ता है, तो इस वजह से लाफ्टर निकल गया। द ग्रेट महाराष्ट्र फाइटर चैलेंज, राउत भाऊ का नासिक में द ग्रेट महाराष्ट्र फाइटर चैलेंज। तूफान में कश्तियां और घमंड में हस्तियां डूब जाती है, ध्यान में रखो। आपको क्या लग रहा है, हो गया भाई साहब? ये राउत साहब है, राउत साहब जब चैलेंज देने पे आते हैं तो चैलेंज को भी चैलेंज दे देते हैं। रावण से लेके हिटलर तक सबको लपेट लेते हैं। रावणाचं राज्य जळून गेलं, हिटलरचा अंत झाला, भले भले गेले, अरे तुम्ही कोण? अरे रावण का राज गया, हिटलर का अंत हो गया, भले भले गए, अरे तुम कौन हो? इसके बाद तो राउत भाव ने और भी कमाल कर दिया, उन्होंने शिवसेना की तुलना भारतीय सेना से ही कर डाली। देशामध्ये 280 सेना निर्माण झाल्या, उरल्या दोनच सेना, एक भारतीय सेना आणि दुसरी शिवसेना। सेना जी सीमेवर आहे, देशाचं रक्षण करते, आणि दुसरी शिवसेना जी महाराष्ट्रात आहे, ती महाराष्ट्राचं आणि मराठी माणसाचं रक्षण करते। देखे राउत भाऊ के तीर देखन में छोटन लागे पर घाव करे गंभीर। राउत भाऊ ने अगला तीर चलाया मुख्यमंत्री शिंदे और बीजेपी आलाकमान की मुलाकात। इस मुलाकात पर तंज कसते हुए राउत साहब ने कह दिया है कि इस मुख्यमंत्री का हाईकमान महाराष्ट्र में नहीं दिल्ली में है। दिल्ली जाऊन बसले हाईकमान दिल्ली है, शिवसेना हाईकमान महाराष्ट्र। आता महाराष्ट्र मुख्यमंत्री भाजपा, भाजपचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात आहेत, शिवसेनेचे नाही, भाजपचे। हायकमांड दिल्लीला ते पाहिलं असेल। राऊत साहब तो शिंदे भाऊ पे तंज पर तंज कस रहे हैं, कभी चैलेंज दे रहे हैं, कभी बद्दुआएं दे रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे अब भी पार्टी की लंका लगाने वाले शिंदे को दुआएं दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हो शेखर? अरे सच्ची में बंदरू, यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही देख लो। तेज प्रेम गेले 2.5 वर्ष, जी लोक जो पक्ष याच घराला याच घराण्याला मला माझ्या कुटुंबियांवरती अश्लाघ्य आणि विकृत भाषेमध्ये जी टीका करत होती तेव्हा कोणाचीही दातखीळ उचकटली नव्हती। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही, बेवफा ही सही, दिल रुबा है मेरी। खुश रहे तू शिंदे, ये दुआ है मेरी, खुश रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति जबरदस्त तरीके से रोचक हो गई है, बोले तो इनक्रेडिबली इंटरेस्टिंग। नेता लोग एक बार फिर से पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कैसे भाई? अबे तुम्हें जानने की बड़ी जल्दी होती है, देख रहे हैं? उछल उछल के पूछ रहा है कैसे। अरे वो ऐसे बंदरू कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव अपनों के द्वारा ही घेरे जा रहे हैं। एक तो उनके चचा श्री शिवपाल सिंह यादव इन दिनों बीजेपी से रिश्ते संवारने में लगे हैं, और दूसरे सपा के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर की भी अखिलेश जी से टन से चल रही है। कुल मिलाकर ये कि राष्ट्रपति चुनाव की वजह से सपा अपने गठबंधन को ठीक से संभाल नहीं पा रही है, इसे इनक्रेडिबली इंटरेस्टिंग न कहें तो क्या कहें। उत्तर प्रदेश में जो राजनैतिक नाटक हो रहा है उसे सिलसिलेवार ढंग से समझना हो। तैयार हैं? देखिए, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि लोकसभा के उपचुनाव में सपा की उन दोनों जगहों पे करारी हार हुई जो उसके गढ़ माने जाते थे, एक तो रामपुर और दूसरे आजमगढ़।
सपा की सहयोगी पार्टी सुभा सपा के नेता ओम प्रकाश राजभर ने इस हार के लिए अखिलेश यादव की कमांडरी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और उन पे तंज कसते हुए कह दिया कि एयर कंडीशन में बैठ के चुनाव लड़ने पर यही असर होता है भैया। एसी कमरे से निकल करके नॉन एसी वाले इलाके में चलना पड़ेगा। कोई भी चुनाव बिना या कोई लड़ाई बिना कमांडर के नहीं लड़ी जाती, तो वहाँ हमने ऐसा महसूस किया कि जो चुनाव हम लोग हारे, यदि अखिलेश यादव जी आए होते तो चुनाव नहीं हारते। ऐसे में अखिलेश यादव जी का तिल मिलाना स्वाभाविक ही था, फिर भी ऊपरी तौर पर संयम दिखाते हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी को किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं। खैर ये सब होता रहा और इसी बीच राष्ट्रपति चुनाव आ गया। आप सब तो जानती हैं कि बीजेपी और एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं और विपक्ष की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा। यहीं से सपा गठबंधन में रार और तकरार की शुरुआत होती है। वो कैसे शेखरू? वेरी गुड क्वेश्चन, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट माई बंदरू। वो ऐसे प्यारे बंदरू के यशवंत सिन्हा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अखिलेश यादव ने जो बैठक बुलाई उसमें राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को तो बुलाया लेकिन कहाँ गए, हाँ राजभर जी को नहीं। देखिए हमारे समाज में ये होता है कि अगर आपको अपने किसी दोस्त की शादी का बुलावा नहीं आता है तो मन बड़ा खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, दिल को बहुत ही चोट लगती है, एक कांटा दिल में चुभ सा जाता है, तो उस कांटे को निकालने के लिए मन तिलमिलाने लगता है, छटपटाने लगता है, भड़बड़ाने लगता है। ऐसे में मन करता है कि अगर कोई दुश्मन अपनी शादी में हमें बुला ले तो फौरन गुलदस्ता लेके वहां पहुंच जाए और अपने उस दोस्त को सबक सिखाएं जिसने अपनी शादी में हमें नहीं बुलाया है। करता है ना ऐसा मन? करता है ना है? सच्ची बताइए। बिल्कुल करता है। हाँ तेरा तो सबसे पहले करता है। ठीक ही राजभर जी ने किया। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी जी जब अपने प्रचार के सिलसिले में लखनऊ पहुंची तो राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक भोज दिया, भोज डिनर, और इस डिनर में राजभर जी को भी आमंत्रित किया। राजभर जी तो भरे बैठे ही थे, खट से डिनर में पहुंच गए। जब उनसे पूछा गया कि उनको अखिलेश जी ने यशवंत सिन्हा के समर्थन के लिए बुलाई गई बैठक में क्यों नहीं बुलाया तो उनका क्या जवाब था जरा सुनिए। कल उन्होंने जयंत चौधरी गठबंधन में उनके हैं जी। हम भी उनके गठबंधन में हैं तो जयंत चौधरी को बुलाया उन्होंने, हमको नहीं बुलाया, ये क्या साबित करता है? न बुलाना ही कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन योगी जी के डिनर में राजभर जी, भर क्यों मालूम है ना, क्योंकि हमेशा भरे बैठे थे, तो राजभर जी का पहुंचना उतना अजूबा नहीं था जितना अखिलेश जी के चाचा श्री शिवपाल सिंह यादव का पहुंचना था। वैसे शिवपाल जी ने साफ कर दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए वो द्रौपदी जी को ही वोट डालेंगे। वे हमें मुख्यमंत्री जी ने कल निमंत्रण दिया तो मैं गया और हमारी भेंट द्रौपदी मुर्मू से हुई, तो अब हमने तय कर लिया है कि हम वोट द्रौपदी मुर्मू को देंगे। तो स्थिति यह है कि एक तरफ चचा जी अपने भतीजे से खफा खफा चल रहे हैं, मेरे भतीजे तू मेरी चचाई को तरसे, तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर गुस्सा भर के मुंह फुलाए बैठे हैं। राजभर जी ने तो अल्टीमेटम भी दे दिया कि अगर 12 जुलाई तक राष्ट्रपति चुनाव के मामले पर अखिलेश जी ने उनसे बात नहीं की तो वो किसे वोट देंगे ये वो खुद तय करेंगे। गुड बाय। अभी 9, 10, 11 तक हम विट करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने यशवंत सिन्हा को वोट देने दिलाने का जिम्मा लिया है तो क्या वो हमसे संपर्क करते हैं? 3 दिन तक इंतजार करेंगे,
अगर 3 दिन के बाद नहीं आता है तो फिर अपनी पार्टी के नेताओं से, अपने विधायकों से विचार विमर्श करके जैसा लोग डिसीजन लेंगे, फैसला लेंगे, वैसा करेंगे। किसको फाइनली आप 12 को बताएं। तो दोस्तों ये था आज का पोल खोल। अगले शनिवार को आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरे बंदरों को इजाजत दीजिए। चलिए हुजूर हुजूर आइए। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।